वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों आज हम कोर के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1 मीट्स ए कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनको कैपिटल ए बी सी पे कट कर रहा है कुछ ऐसे। जैसे कोई मान लो ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मान लो ये ओरिजिन है। तो प्लेन एक्स एक्सिस को कैपिटल ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कैपिटल बी पे और जेड एक्सिस को कैपिटल सी पे। तो ये प्लेन, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स ओवर ए, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन क्या दी हुई है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1। इसे सेव कर लो, स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अगर प्लेन जो है एक्स एक्सिस को कैपिटल ए पे कट कर रहा है तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? तो एक्स एक्सिस पे वाई भी जीरो होता है, जेड भी जीरो होता है। अगर वाई को जीरो पुट करोगे, जीरो ओवर बी जीरो, जीरो ओवर सी जीरो, तो क्या बचेगा, एक्स ओवर ए प्लस जीरो ओवर बी जीरो प्लस जीरो ओवर सी जीरो। तो यहां से एक्स की वैल्यू स्मॉल ए मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या, ओ ए डिस्टेंस स्मॉल ए मिल गया। तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, स्मॉल ए जीरो जीरो, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे, जो बी पॉइंट पे वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। एक्स को जीरो पुट करो, जेड को जीरो पुट करो, वहां से वाई की वैल्यू स्मॉल बी आएगी। अगर y की वैल्यू स्मॉल बी है तो ये डिस्टेंस स्मॉल बी है, तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स जीरो, स्मॉल b एंड जीरो। सिमिलरली c के कोऑर्डिनेट्स इन द सेम वे जीरो जीरो c मिल जाएंगे। तो हमें गिवन है कि प्लेन मीट्स अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कैपिटल ए बी सी, जिसकी हेल्प से हमने कैपिटल a b और c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसको सेव करो इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं रेज कर रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो। तो आगे बच्चों, हाँ जी, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय अ लाइन। तो कोन कैसे बनता है, ये कोन है, इट इज जनरेटेड बाय अ लाइन, वो लाइन कौन है, जनरेटर, ड्रॉन थ्रू ओरिजन, ओरिजन से जो लाइन पास करती है, अगर कोन का वर्टेक्स ओरिजन है, ये लाइन ओरिजन से पास कर रही है तो ये वर्टेक्स है। अगर वर्टेक्स ओरिजन हो, हमने बताया था जो कोन होता है वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है, ये तो चलो समझ आ गई, पता चल गया। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजन टू मीट सर्कल एबीसी। तो गाइडिंग कर्व क्या गिवन है, सर्कल, गाइडिंग कर्व इज गिवन टू बी सर्कल। तो हमें ये सर्कल की इक्वेशन चाहिए, हमें ये इक्वेशन गाइडिंग कर्व भी चाहिए जो हमें गिवन है, एक सर्कल है। तो आपको याद रखना है सर्कल क्या है, जब भी कोई प्लेन स्फीयर को, अब मैं स्फीयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जब भी कोई प्लेन स्फीयर को कट करता है, आप याद करो स्फीयर क्या है, फुटबॉल की एग्जांपल ले लो, प्लेन से उसको काटो, किसी स्पोज करो ब्लेड से ही काट दो उसको, जो सेक्शन जो बचेगा आप घुमा के देखोगे वो एक सर्कुलर शेप होगी। तो आपको याद रखना है सर्कल इज व्हाट, इट इज अ सेक्शन, मतलब पार्ट, क्या बचा वो पार्ट को सर्कल बोलते हैं जब प्लेन स्फीयर को काटता है। जब प्लेन ने स्फीयर को काटा जो शेप ऑब्टेन हुई वो सर्कल शेप होगी, ठीक है। जैसे ये कोन है, स्फीयर है, सपोज करो ऐसे कोई स्फीयर है, इसको जब प्लेन काट देगा तो ये जो शेप बनेगी यहां पे ऐसे, वो एक सर्कल बनेगी, फाइन। तो बच्चों आपको याद रखना है सर्कल इज ऑब्टेन व्हेन स्फीयर इज कट बाय द प्लेन। तो हमें स्फीयर की इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमने स्फीयर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो स्फीयर की इक्वेशन कहां से मिलेगी, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी। स्फीयर की इक्वेशन कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, स्फीयर ओ ए बी सी। सर्कल इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्लेन इज कट ऑफ बाय द स्फीयर। तो हमने ये ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ा है कि स्फीयर जो है
वो उसकी इक्वेशन निकालनी हमने सीखी है। तो स्फीयर इज पासिंग थ्रू कैपिटल ओ ए बी सी, तो स्फीयर की इक्वेशन सपोज कर लो, लेट दी, देखो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, स्फीयर की इक्वेशन अगर मिल गई तो प्लेन एंड स्फीयर मिलके क्या बनाते हैं, सर्कल। तो सर्कल गाइडिंग कर्व इज ऑब्टेन व्हेन दिस प्लेन कट्स दी स्फीयर, तो स्फीयर जो है हमें, तो लेट दी इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी क्या होती है, हमने लास्ट छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन है जिसमें यू वी डब्ल्यू और डी अगर मिलेंगे तो आंसर आएगा, फाइन। तो देखो बच्चों हमें गिवन है स्फीयर इज पासिंग थ्रू, ठीक है, ये इसको स्टोर करो इक्वेशन नंबर टू, सिंस स्फीयर पासिंग थ्रू ओ ए बी सी, पहले ओ, ओ क्या है, ओरिजन, ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स जीरो 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 होते हैं। तो बच्चों स्फीयर में एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इसमें एक्स को जीरो पुट करो, वाई को जीरो पुट करो, जेड को जीरो पुट करो, टू यू इंटू जीरो टू वी इंटू जीरो टू डब्ल्यू इंटू जीरो, तो यहां से डी की वैल्यू मिल गई जीरो, फाइन। तो स्फीयर किससे पास कर रहा है, ओ से, फिर किससे पास कर रहा है, कैपिटल ए से, फिर लिख देना स्फीयर पासिस टू कैपिटल ए, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हम निकाल चुके हैं, ए जीरो जीरो। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे स्मॉल ए पुट करेंगे, वाई की जगह पे जीरो पुट किया जाएगा, जेड की जगह पे जीरो पुट किया जाएगा, एक्स की जगह पे स्मॉल ए, वाई की जगह पे जीरो, सीधा लिखो जीरो, और जेड की जगह पे जीरो, डी तो ऑलरेडी जीरो है हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहां से आप सोल्व करोगे ना बच्चों, टू यू इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जीरो नहीं है, तो यू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए बाय टू। सिमिलरली जब हम कैपिटल बी से स्फीयर को पास कराएंगे वो कोऑर्डिनेट्स है जीरो, व्हेन बी जीरो 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 पासिस थ्रू इक्वेशन नंबर टू, तो वहां से आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी, जब ये कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो क्या वी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी बाय टू, एंड सिमिलरली जब सी पुट करोगे तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस सी ओवर टू। यू मिल गया, वी मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, डी जीरो है। तो फिर सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम, मैं रेज कर रहा हूं आप पॉज करके नोट कर सकते हो, तो बच्चों लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, ये स्फीयर चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या मिल गई, जेड स्क्वायर टू यू एक्स, यू की वैल्यू कितनी है माइनस ए बाय टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू यू की वैल्यू माइनस ए, तो टू यू की वैल्यू माइनस ए, तो ये बन जाएगा माइनस ए एक्स, सिमिलरली माइनस बी वाई माइनस सी जेड, क्योंकि डी तो जीरो है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सर्कल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वन एंड स्फीयर थ्री, जब भी वो सर्कल बोलेगा ना गाइडिंग कर्व को, तो आपको प्लेन और स्फीयर चाहिए, मिल गए दोनों। तो बच्चों इन दोनों की हेल्प से कौन मिल जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे, इसकी हेल्प से इसको होमोजीनियस बना दो, तो क्या लिखेंगे, मेक इक्वेशन थ्री, क्योंकि ये जो कोण है वो ओरिजन, उसका वर्टेक्स कोण है ओरिजन, तो मेक इक्वेशन थ्री होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। चलो ये स्टेप करते हैं, तो वन की इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर थ्री को होमोजीनियस बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए एक्स, इसके साथ आपको पता है वन लिखेंगे क्योंकि डिग्री सेम बनानी है, टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री, इसकी वन डिग्री है तो इसके साथ वन लिखेंगे, बी वाई इसके साथ वन, सी जेड इसके साथ वन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों वन की वैल्यू कितनी है, एक्स ओवर ए प्लस वाई। अच्छा एक और काम करो, इजी कर लो, कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं आप, सब में से माइनस वन कॉमन ले लो
और ये वन ऐसे लिख सकते हैं, रेदर आप वन को बार बार पुट करो, आप कॉमन ले लो माइनस वन, तो वन की वैल्यू एक बार ही पुट करनी पड़ेगी। कितना बनेगा ए एक्स बी वाई सी जेड, तो वन की वैल्यू कितनी है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा, ये बच जाएगा। अगर आप इसको इससे करोगे तो क्या बचेगा, माइनस ए ओवर बी एक्स वाई, फिर इसको इससे करेंगे माइनस ए इंटू जेड एक्स ओवर सी। सिमिलरली सेकेंड को इससे करेंगे माइनस बी एक्स वाई ओवर ए, हाँ जी, फिर सेकेंड को सेकेंड से करेंगे तो क्या बचेगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा माइनस बी, हाँ जी, सेकेंड को थर्ड से करेंगे माइनस बी वाई जेड ओवर सी बन जाएगा, फिर थर्ड को फर्स्ट से करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ जी, माइनस सी जेड एक्स ओवर ए माइनस सी जेड वाई ओवर बी जेड, सी से सी कैंसिल हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों देखिए अब एक्स वाई की दो टर्म्स है, एक्स वाई वाली टर्म्स दो है, वाई जेड की टर्म्स दो है और जेड एक्स की टर्म्स दो है हमारे पास। तो आप एक्स वाई कॉमन लेंगे, देखिए लास्ट स्टेप है, बिल्कुल आंसर पे पहुंच रहे हैं, यहां पे पहुंच रहे ना हमने, तो क्या करेंगे एक्स वाई कॉमन लेंगे माइनस एक्स वाई कॉमन यहां से, तो क्या बचा ए ओवर बी, और ये एक्स वाई की टर्म है माइनस कॉमन है प्लस बी ओवर ए इन द सेम वे। अब एक्स वाई के बाद हाँ जी जेड एक्स कॉमन ले लो माइनस जेड एक्स, तो जेड एक्स की टर्म एक ये वाली है ए ओवर सी और एक जेड एक्स की टर्म ये वाली प्लस हो जाएगा इन द सेम वे एक्स वाई। अब कौन सी रहेगी वाई जेड की टर्म, वाई जेड कॉमन तो क्या बचेगा वाई जेड की एक ये टर्म है एक ये टर्म है बी ओवर सी प्लस सी ओवर इक्वल टू जीरो। माइनस वन से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही माइनस वन से डिवाइड किया दोनों तरफ माइनस वन से डिवाइड किया यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोण, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गई सभी को, यही तो है आंसर। जब भी आपको गाइडिंग जो कर्व है फिक्स्ड कर्व है वो सर्कल गिवन होगा तो सर्कल इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, प्लेन तो गिवन है, स्फीयर हमने बना लिया जैसे छोटी क्लास में हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो स्फीयर बना लिया, फिर स्फीयर को होमोजेनियस बना लिया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेम इसी तरह का एक और सम है, बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी स्टेटमेंट में फर्क है, मैं आपको हिंट दे देता हूं इसका, देखिए मैं क्वेश्चन ढूंढ देता हूं, बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, अ वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन whose equation is same as in the previous question and meets the axis in A, B, C. Prove that circle lies on cone. देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, बिल्कुल आसान सा, मैं अभी बताऊंगा आपको, देखिए ये प्रूव करना है। सेम सम अभी किया हमने एक्स वाई ए ओवर बी इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है एक्स ओवर ए, दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, कौन सा है प्लेन x over a plus y over b z over c equal to 1 is given by इस प्लेन के पैरेलल प्लेन कौन सा होगा, जस्ट चेंज द कांस्टेंट, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में किया था, कोई भी लाइन दूसरे लाइन के हाँ जी पैरेलल कब होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं।
तो प्लेन गिवन है, इसके पैरेलल प्लेन के लिए इस कॉन्स्टेंट को के से रिप्लेस कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। लो जी, तो यहां से इट मीट्स एक्स एक्सिस एट कैपिटल ए, तो देयरफॉर वाई को जीरो पुट करो, जेड को जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू के ए आ जाएगी, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? हाँ जी सेम, वहां पे ए भी ए ये बन गया के ए जीरो जीरो, पहले क्या बने थे ए जीरो जीरो। सिमिलरली प्लेन वन मीट्स दी वाई एक्सिस एट कैपिटल बी, तो देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? सेम बेस, तो एक्स को जीरो, जेड को जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी बनेगी? के बी, तो यहां से ऐसे बन जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। सेम वे सी बन जाएगा जीरो जीरो के सी। अब पुराना क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मैं सीधा लिख रहा हूं, स्फीयर पासिंग थ्रू, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऐसे ए एक्स, ठीक है ऐसे बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसे बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये बनी थी ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगी, आई होप यही बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी, क्लियर सबको? तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये बन जाएगी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लोगे, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, बाकी आप सबको करना ये आता है। तो फिर क्या करेंगे? मेक इक्वेशन टू होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन वन, वो कौन सी थी? इक्वेशन वन कौन सी थी? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू के। हाँ जी बच्चों, होमोजीनियस बनाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन, थोड़ा सा सिर्फ के का फर्क है, सोल्व करोगे तो के आ जाएगा, ये आपने प्रूव करना है, मैंने सीधा लिख दिया। तो बच्चों के की वैल्यू पुट कर दो वन की बजाय, क्यों? क्योंकि हमें होमोजीनियस बनाना है, के एक्स ओवर ए वाई ओवर बी जेड ओवर सी इंटू ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू जीरो। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे सेम इसी तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। तो आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।